विदिशा जिले में शाम 5 बजे के लगभग कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवाजी चौक पर एक गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह चौहान के मकान में बनी एक गोदाम में जूते चप्पल रखे हुए थे, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है। आग इतनी तेज थी कि धुआं तीसरी मंजिल से होकर आसमान की ओर दिखाई दे रहा था। धुआं देखकर आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना कोतवाली और दमकल विभाग को दी गई। तुरंत दो दमकल और रिस्पांस वाहन मौके पर आया और आग को काबू करने का प्रयास करने लगा। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया गया। बताया गया कि गोदाम जावेद खान की थी, जिसमें जूते और चप्पल रखे हुए थे। आग कैसे लगी, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस आगजनी में लगभग 4 से 5 लाख रुपये का नुकसान होना बताया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद ही कोतवाली TI जायपल इन बाती तहसीलदार सरोज अग्निवंशी भी मौके पर पहुंचे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। माल था तब 4-5 लाख रुपए का माल था, तो बदल लिया था। नुकसान होगा 4-5 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। अच्छा बैठा है, मैं तो ठेला लगा दूंगा उसको, खड़ा देना ठेला। कितना नुकसान हो गया होगा? 4-5 लाख रुपए का माल था। की घटना हुई है, कहाँ हुई है, क्या नुकसान हुआ, कुछ बातचीत में सामने आया? स्थान तो बासपुरी है, गुलाब भाई का घर है। उन्होंने अपने 10x10 के रूम को एक आबिद अली की किराए पे ले रखा था, जिसमें जूतों का उनने भंडार करके रखा था, गोदाम टाइप का बना के। वहीं से आग लगी। आग लगने का कारण अभी बताया नहीं है। नुकसान का आकलन हो पाया अभी? अभी नुकसान का आकलन इसलिए नहीं हो पाया, अभी तो आग तो बुझा रहे हैं, तुरंत ही फायर ब्रिगेड आ गई है, काम चल रहा है। मैम, फायर ब्रिगेड एक आई थी तो जिसमें मतलब ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, पानी आधा जा रहा था आधा। मोटर वगैरह है, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, दूसरी फायर ब्रिगेड तुरंत ही आ गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।